हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अनबैलेंस प्रॉब्लम की। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम में दो क्वेश्चंस देखे थे अलग अलग केस के। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट। जैसे ही नाम से आपको पता लग रहा है कि असाइनमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, वो कह रहा है कि हम इसे असाइन नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अगर हम इस ये जैसे यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला और ये वाला ब्लैंक है, तो ये मशीन क्या कर रही है, इस प्लेस में असाइन हो ही नहीं सकती। ये रिस्ट्रिक्ट करती है, नहीं यहाँ पर हम असाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी वैल्यूज को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसे सॉल्व करने या यहाँ पर कोई भी वैल्यू को असाइन करने में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये यहाँ पर देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट में, जहाँ पर मशीन को हमने असाइन करना है डिफरेंट प्लेसेस में। तो फर्स्ट हो गया इस प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। पहला स्टेप हमारा यही है, वो कैसे देखते हैं, रो इज इक्वल टू कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो हमारी कॉलम के इक्वल है, जैसे नंबर ऑफ रो कितनी है, 4 है, जबकि कॉलम क्या है, 5 है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 है, आपको कन्वर्ट करना होगा इसे, कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू बैलेंस, इनटू बैलेंस। ठीक हो गया, नंबर इनटू बैलेंस है। पहले यही पूरी वैल्यूज को लिख लेते हैं, 7, 4, 5, 4, 6, 9, 6, 2, 9, 3, 7, 2, 3। नाउ अब ये दो में रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने कहा इनफाइनाइट कॉस्ट लगती है, तो हमने क्या करा, चलो इसको इनफाइनाइट कॉस्ट प्रोवाइड कर दो, इनफाइनाइट कॉस्ट प्रोवाइड कर दी है। नाउ अब एंड ये अभी भी बैलेंस नहीं है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास मशीन 4 है लेकिन हमारे पास प्लेस 5 है, तो हमने एक यहां पर रो ऐड कर दी है जिसको हमने क्या कॉस्ट असाइन कर दी है, 0, 0, 0, 0, 0, और मैंने इसे दे दिया नाम डमी। ठीक हो गया, डमी रो, जिससे इसका लेना देना कुछ है नहीं, बट उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसे प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हमें इसे ऐड करना होता है। अगर इधर कम होगी तो इधर, इधर कम होगी तो इधर। ठीक हो गया, नाउ चेक प्रॉब्लम इन मिनिमम और मैक्सिमम। क्या ये मिनिमम या मैक्सिमम है, जैसे कि क्वेश्चन हमने लिखा है मिन है, तो हमने कहा इट्स मिनिमम, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, अगर मैक्स होता तब हमें इसे करना होता। ठीक हो गया, नाउ रो मिनिमम है, रो मिनिमम के लिए हमने क्या करा है, अब जो थर्ड स्टेप है रिड्यूस द मैट्रिक्स। पहला रो मिनिमम है, रो मिनिमाइजेशन करना है, तो जो सबसे छोटा है उस वाले से माइनस कर दो पूरी रो को। 4 सबसे छोटा है, 0, 2, यहां पर कितना है, 10 में से 4, 6, 5, 1 एंड 2। ऐसे ही नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो मिनिमम 4 है आपका, 0, 0, 1, 3 एंड इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तो सबसे बड़ा है। ठीक है, नाउ अगेन इधर सबसे छोटा है 2, तो यहां पर आ गया 0, ये आ गया 4, ये आपका आ गया 7, ये आपका आ गया 4। नाउ लेट हियर, सबसे मिनिमम है 2, 0, सॉरी हियर 0, 1, 5, here 1, 9 में से 2, 7 एंड लास्ट ये आपका है डमी। डमी 0 है, तो ये सारा का सारा 0 हो गया। अब देखिए कॉलम के लिए, अगर हम कॉलम रिड्यूस करेंगे तो यहां पर कॉलम में हर जगह क्या है, मिनिमम 0 है, तो क्या हमें कॉलम की नीड है, नहीं है, तो हमने कहा रो मिनिमम। एंड बी स्टेप हो गया आपका, यहीं पर लिख लेते हैं, नो नीड ऑफ कॉलम
UMM, कॉलम मिनिमम। कॉलम मिनिमम की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉलम में हर जगह मिनिमम वैल्यू जीरो है, और जीरो से किसी भी चीज को माइनस करेंगे तो यही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका है, यहाँ पर इसे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? फोर, चेक द ऑप्टिमल असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑप्टिमल है कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक हो गया। इसे सेम एज इट इज लिख लेंगे। M1, M2, M3, M4, dummy, A, B, C, D, E, 0, 3, infinite, 7, 0, 2, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 7, 40, infinite, 10, 6, 1, 2। अब इसमें असाइन करने के लिए, चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम वाइज चेक करते हैं क्या एक से ज़्यादा जीरो हैं। बिल्कुल हैं। तो नेक्स्ट में चले जाएंगे, अगेन यहाँ देखेंगे दो जीरो हैं, तो नेक्स्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे यस सिंगल है। तो यहाँ पर आपने असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद आपने क्या करा, ये कॉलम वाइज चेक करा है, तो इसके बिहाव में जितने भी जीरो आपको मिलेंगे स्ट्रेट उन सबको कट कर देंगे, एंड हमारी ट्रेस्ड लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट में हम यहाँ पर जाते हैं इस कॉलम में। इस कॉलम में जैसे ही गए हमने कहा हाँ यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो हम इसे असाइन कर देंगे। असाइन कर दिया, कॉलम वाइज देखा था तो रो वाइज ये कैंसिल हो चुका है, टू लाइंस कैंसिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया, अब यहाँ पर टू है तो स्किप दैट वन। नाउ रो वाइज आप चेक करेंगे, रो वाइज आपने देखा यस देयर इज अ सिंगल जीरो, तो उसे असाइन कर दिया। रो वाइज करा है तो कॉलम में आपको इसे कैंसिल कर देना है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट, कोई और जीरो तो नहीं है? नहीं है। नाउ नेक्स्ट आपने फिर से दोबारा यहां देखा, यहां टू जीरो थे, आपने क्या करा, नहीं दो जीरो हैं, तो आप नेक्स्ट वाले में चले गए हैं, यहां पर सिंगल जीरो मिला तो आपने इसको असाइन कर दिया। इसे असाइन कर दिया है। नाउ असाइन करने के बाद जो इसके बिलोंग करते हुए जीरो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने रो वाइज देखा था तो कॉलम वाइज ये लाइन ट्रेस्ड हो गई। ठीक हो गया। 1, 2, 3, 4। नाउ नेक्स्ट, अब हमने रो एंड कॉलम सारे ट्रेस कर लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक जीरो बचा है, तो हमारे रो और कॉलम पूरे हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ तक देखा था, उसके बाद जब यहाँ पर आए, यहाँ पर असाइन थी, ट्रेस्ड लाइन थी, तो हमने इसको नहीं देखा। नाउ अगेन कॉलम वाइज देखो या रो वाइज, जो भी आपकी इच्छा हो, आपने कॉलम वाइज देख लिया क्योंकि रो वाइज हमारा खत्म हो गया। कॉलम वाइज देखा, हमने कहा अरे एक जीरो और है, यस वी विल असाइन इट, हमने इसे असाइन कर दिया है, और असाइन करने के बाद कोई जीरो है? नहीं है। कॉलम वाइज हमने इसे असाइन किया है, तो रो वाइज आपने लाइन डिस्कार्ड कर दी। अब वही स्टेप है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन, क्या है कि नहीं है? ठीक हो गया। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन, तो यहां पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपकी 5 है, आपकी नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन भी कितनी है? 5 है। तो 5 इज इक्वल टू 5 हो गया है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है। इट्स मीन ये जो आपने ऑप्टिमल, ये जो सॉल्यूशन निकाला है ऑप्टिमल, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो हमने करंट सॉल्यूशन में करा है ये ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल है तो अब आप मिनिमम कॉस्ट यहां पर फाइंड आउट कर देंगे। मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल राइट हियर मशीन, ये सोर्स है आपका, ये प्लेस हो गया डेस्टिनेशन, और ये हो गया मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए मशीन M1, M2,
सॉरी M1, M2, M3, M4 एंड योर डमी। ठीक हो गया। M1 में क्या हुआ प्लेस? A, M2 में B, M3 में E, M4 में आपका है D एंड डमी में आपका है C। अब यहां पर इनकी वैल्यू क्या है वहां से देख लेंगे। 4, देन 4, देन 4, 2, देन 2 एंड डमी में तो आपका 0 हो गया। नाउ एड दीज ऑल, इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12। तो आपने देखा होगा रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट अगर होता है तो आप क्या करेंगे। यहां पर ये क्या कह रही है, ये मशीन कह रही है कि मैं A1 में यहां पर इस प्लेस में असाइन नहीं कर सकती हूं, मैं यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वैसे ही मशीन 2 ने प्लेस सी में यहां पर क्या रखा, मैं असाइन नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने कहा चलो यार इनफाइनाइट कॉस्ट ले ले, लेकिन असाइन करके उसको सॉल्व तो कर। ठीक, तो उसने क्या कर, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कॉस्ट दे दी। ने कहा यार 5 रुपए ले ले, 10 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले। ठीक हो गया, ये वाला प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट के बाद नेक्स्ट वेरिएशन था आपका, व्हाट इज योर नेक्स्ट वेरिएशन, याद नहीं आ रहा, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यस, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन पहले भी आया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला था, बट वहां पर नहीं बताया, यहां पर मैं बताऊंगी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। यहां पर इस तरीके के, जैसे यहां पर क्या है, एक ही यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल रहा है, तो वहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकलते हैं। एक से ज्यादा सॉल्यूशन ऐसे निकलते हैं कि नंबर ऑफ जीरो बहुत सारे हो जाते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो हम उस वहां पर कैसे असाइन करते हैं उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा ये जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, आपको अगर लग रहा है कि ये हेल्पफुल हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।